पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कल अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। कोटद्वार में अनिल बलूनी ने एक जोरदार रोड शो किया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी समेत कई नेता शामिल हुए। अनिल बलूनी का रोड शो कौड़िया चेकपोस्ट से झंडा चौक तक चला। रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। रोड शो के बाद अनिल बलूनी ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की है। मौजूद है अनिल बलूनी, जो बीजेपी के गढ़वाल संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप पब्लिक के बीच हैं? देखिए, हमारा ये कहना है कि देश के अंदर विकास की राजनीति हो रही है। आखिर हमारा गढ़वाल इस विकास की राजनीति से कैसे छूटे? हम केवल विकास की बात करने, जनता के चुनाव सामने है, आम चुनाव सामने है। हम कोई तूतू-मैमे की राजनीति नहीं करना चाहते, हम कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहते, हम कोई मामलों को डाइवर्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते केवल विकास की बात हो। हमारी माताएं बहनें हैं, इनके घर में बेरोजगार बच्चे हैं, इनको रोजगार मिले, यहाँ विकास हो, जो लोग बीमार हैं उनके इलाज और अच्छे तरीके से हो, हम उस सब के लिए करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मोदी का परिवार है वो और अच्छे तरीके से संपन्न हो, हमारे यहाँ और अच्छी तरह से खुशहाली आए, उसके लिए काम करना चाहते हैं। कर्णाश्रम एक कोटद्वार क्षेत्र की एक बड़ी मांग रही है, आपने राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात कही है क्या? देखिए, हमने कहा है कि कर्णाश्रम को राष्ट्रीय स्मारक बनवाएंगे, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट परियोजना बनवाएंगे, और जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है उसी प्रकार से पूरी सरकार से बातचीत करके इसको एक राष्ट्रीय परियोजना बना के इसको एक बहुत ही वृहद स्तर पर इसका निर्माण करवाएंगे, और ये देश में ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक पर्यटक स्थली इसको डेवलप करवाएंगे। सर, आप 2004 में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस दिल्ली और पहाड़ का एक मुद्दा बना रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, हमको अपने विषय से नहीं भटकना है, हमको इस विशेष हमको हमारे को चिंता है पलायन को रोकने की, हमारी चिंता है यहाँ पर रोजगारों को और तेजी से विकास करने की, हमको इन्वेस्टमेंट लाने की चिंता है। हम कहाँ इन फालतू बातों का जवाब देते रहेंगे? हमारा काम माताओं बहनों की सेवा करना है, यहाँ के नागरिकों की सेवा करना है। ये उल जलूल बातों के सवाल के जवाब में अगर विपक्ष ही पड़ेगा तभी तो ये हालत हुई उनकी। आज पूरी देश से मुक्त हो गई कांग्रेस इन्हीं उल जलूल बातें करके। हमको विकास करना है, सिर्फ इस पे सोचना है। तो आपका अनिल बलूनी, आपका साफ तौर पर कहना है कि हमको किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना, बीजेपी को हमको सिर्फ विकास की राजनीति करनी है, और वही हम इस संसदीय चुनाव में करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौ प्रभात, न्यूज 18 देहरादून।